हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति की अल्टो K10 और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका टॉप एंड ट्रिम वेरिएंट VXi प्लस और साथ ही इसके अंदर लगी हुई काफ़ी सारी एसेसरी। 36,500 की इसमें एसेसरी लगी है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप एसेसरीज के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर लग रही है इसमें ड्यूल टोन कलर थीम। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैक रूप कर रखी है और साथ ही यहाँ पर बोनट भी इसमें ब्लैक कर रखा है। बाकी यहाँ पर और भी एसेसरी लगी है जिसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट लुक्स देख लीजिए इसके, काफ़ी बढ़िया आपको इसमें फ्रंट डिज़ाइन मिलने वाली है। अब यहाँ पर जो पहले जनरेशन आती थी अल्टो 800 वो यहाँ पर कंपनी ने बंद कर दी है और अब आपको केवल अल्टो K10 मिलने वाली है। 1000 cc का आपको इसमें इंजन मिल जाता है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ये अब ये 6:2 से कंप्लाइंट इंजन है इसमें। यहाँ पर आपको हेडलाइट मिल जाते हैं हेलोजन बल्ब के साथ में और साथ ही इंडिकेटर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी बढ़िया सी आपको इसमें ब्लैकआउट ग्रिल मिलने वाली है और साथ ही यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बाकी कुछ ऐसे इसकी फ्रंट प्रोफाइल आपको मिलने वाली है। साइड से बात करें तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी बढ़िया आपको इसमें साइड प्रोफाइल मिलने वाली है और साथ ही यहाँ पर व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 13 इंच के व्हील मिल जाते हैं। सेक्शन की बात करें तो 145/80R13 के यहाँ पर टायर मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर ब्लैक कलर के साथ में इसमें आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। बाकी कुछ ऐसा इसमें आपको टायर सेटअप देखने को मिल जाता है। साइड में फेंडर के ऊपर आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाते हैं और साथ ही कुछ ऐसे आपको इसमें वो REM देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी इसमें ब्लैक कलर किया हुआ है एसेसरीज के तौर पर और साथ ही यहाँ पर ये जो डोर वाइजर है ये भी एसेसरीज का पार्ट है। बाकी कुछ ऐसे आपको साइड प्रोफाइल मिलने वाली है। साइड में आपको ब्लैक क्लैडिंग मिल जाती है इसकी और कुछ ऐसे आपको इसमें डोर हैंडल मिलने वाले हैं। पीछे से बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको टेल लैंप कुछ ऐसे मिलने वाली है और साथ ही पीछे से भी इसे ब्लैक किया हुआ है यहाँ पर इसके टेलगेट को। बात करें इसके बूट स्पेस की तो इसमें आपको 214 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पर ये इसका टॉप एंड ट्रिम वेरिएंट है VXi, तो यहाँ पर आपको इसमें पार्सल ट्रे मिल जाती है और साथ ही अंदर कुछ ऐसा आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। 214 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल रहा है और साथ ही स्पेयर व्हील की बात करें यहाँ पर आपको सेम साइज का स्पेयर व्हील मिल जाता है इस कार में। बाकी कुछ ऐसा आपको इसमें बूट मिलने वाला है। रियर में आपको इसमें 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पर आपको इसमें नंबर प्लेट की जगह देखने को मिल जाती है और कुछ ऐसी आपको इसकी रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। पीछे यहाँ पर आपको कोई भी इसमें वाइपर वॉशर वगैरह देखने को नहीं मिलते और साथ ही डीप वगैरह भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। एक एंट्री लेवल हैचबैक है तो इसमें आपको ज़रूरत के फीचर ही मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई स्टॉप लैंप यहाँ पर मिल रहा है और ऊपर आपको इसमें आगे एंटीना मिल जाता है और कुछ ऐसी इसके रूफ आपको देखने को मिल जाती है। पीछे आपको अल्टो K10 की ब्रांडिंग इसमें देखने को मिल जाती है, बाकी वेरियंट की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। साइड में बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको 27 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, इसमें आप फ्यूल फिल करवा सकते हैं और साथ ही इस अल्टो K10 में आपको CNG का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप CNG लेना चाहते हो तो इसमें आप CNG भी ले सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी आपको इसकी साइड प्रोफाइल मिलने वाली है। बात करें इसके रियर सीट की तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले डोर देख लीजिए, टॉप एंड ट्रिम VXi प्लस वेरियंट है, फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो विंडो है पीछे वाली ये आपको मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ में देखने को मिल जाती है। इसे घुमा के आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा आपको इसमें क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं अंदर के और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी बढ़िया आपको इसमें सीट्स मिलने वाली हैं। फिक्स्ड आपको यहाँ पर हेडरेस्ट मिल जाएंगे चारों ही, यहाँ पर चारों ही हेडरेस्ट आपको इसमें फिक्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पर इसमें सीट कवर लगे हुए हैं SSH के तौर पर और स्पेस भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है और साथ ही ये फोल्ड हो जाती है पूरी की पूरी सीट आगे, इसमें आगे फोल्ड हो जाती है। और बात करें एसेसरीज के तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो है नीचे आपको यहाँ पर एसेसरीज देखने को मिल जाती है, पीछे यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है बोतल वगैरह रखने के लिए और यहाँ पर कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड मिलने वाला है आपको VXi प्लस वेरिएंट का। बात करें ड्राइवर साइड डोर की तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको इसमें प्लेन डोर मिलने वाला है, 4 स्पीकर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको इसमें क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल रहे हैं, मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ में इसमें ORM आपको देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक का ऑप्शन आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है।
सीट की बात करें तो इसमें आपको रिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इस अल्टो में देखने को नहीं मिलता है। बाकी कुछ ऐसा आपको इसका डैशबोर्ड मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसी आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील मिलने वाली है। यहाँ पर भी आपको इसमें क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर आपको इसमें कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए स्विच देखने को मिल जाते हैं। ऊपर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी मिरर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। रूफ लैंप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और यहाँ पर साथ ही इसमें माइक आपको देखने को मिल जाता है कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए। बात करें यहाँ पर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो एस्प्रेसो वाला देखने को मिलता है। जैसा आपको एस्प्रेसो में देखने को मिलता था वैसे ही आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से डिजिटल आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। स्पीड वगैरह सब कुछ इसमें डिजिटली शो करता है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें 7 इंच की काफ़ी बढ़िया सी टच स्क्रीन मिल जाती है और यहाँ पर ऊपर आपको इसमें एसी वेंट देखने को मिल रहे हैं। ये अपने पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, आगे की दोनों ही आपको इसमें पावर विंडो मिलती है। बाकी पीछे की आपको इसमें मैनुअली विंडो मिल जाती है। ये अपने हजार्ड लैंप का स्विच यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही ये अपने मैनुअल एसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। नीचे बात करते हैं इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, काफी फास्ट 120 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है और साथ ही यहाँ पर आपको इसमें यूएसबी ऑक्स की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है इसे टच स्क्रीन को कनेक्ट करने के लिए। बाकी यहाँ पर आप देखें तो काफी बढ़िया सा 5 फीट का आपको इसमें गियरबॉक्स मिल जाता है। नीचे 2 कप होल्डर यहाँ पर मिल रहे हैं और साथ ही यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है फोन वगैरह रखने के लिए और यहाँ पर भी नीचे थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है इसमें और इसमें मैन्युअली हैंड ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 2 एयरबैग आपको देखने को मिल जाते हैं, एबीएस ईबीडी मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर इसमें ग्लव बॉक्स इसमें डिसेंट साइज का मिल जाता है और कुछ ऐसी आपको डैशबोर्ड मिलने वाली है अल्टो K10 के VXI प्लस वेरिएंट की। तो यहाँ पर आप देख लीजिए की बात करें तो इसमें आपको एक यहाँ पर नॉर्मल की मिलती है और साथ ही दूसरी आपको इसमें ऐसे की मिलने वाली है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के स्विच देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी फ्लिप का ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। करते हैं इसको कार को स्टार्ट। यहाँ पर देखेंगे आप जैसे इग्निशन ऑन करते हैं अपने ये डिस्प्ले स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी आपको इसमें साइलेंट इंजन मिलने वाला है। केबिन के अंदर नॉइस आपको इसमें काफ़ी कम देखने को मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया आपको इसमें 1 लीटर का के सीरीज वाला इंजन देखने को मिल जाता है। पावर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया पावर मिल जाती है 66 BHP और साथ ही काफ़ी बढ़िया सा इसमें आपको 98 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। माइलेज की बात करें इसमें आपको 24.39 KMPL की माइलेज देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी बढ़िया आपको इसमें माइलेज मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर इसके टर्निंग रेडियस की बात करें तो 4.5 मीटर का आपको इसमें टर्निंग रेडियस मिल जाता है, जिससे कि काफ़ी कम जगह में ये गाड़ी आसानी से घूम जाती है। बाकी यही कुछ था आज के वीडियो में नई अल्टो K10 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।